हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू साक और आप सभी लोगों का हमारे इस टेक्निकल माइंड चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, अगर आपका कहीं पैन कार्ड खो जाता है तो उस पैन कार्ड को आप अपने मोबाइल से कैसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों अगर आपका कहीं पैन कार्ड खो गया है, कहीं गिर गया है, कहीं चोरी हो, कुछ भी हो गया हो, कहने का मतलब आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप ऑनलाइन ही अपने पैन कार्ड को अपने फ़ोन से डाउनलोड कर सकोगे। कौन सी ट्रिक है वो बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप स्टेप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप पैन कार्ड को ऑनलाइन अपने मोबाइल से डाउनलोड नहीं कर पाओगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं चैनल पर इसी तरह की टेक वीडियो लेके आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन में आ गया हूं, और दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको भी अपने मोबाइल की स्क्रीन में आ जाना होगा। इसके बाद आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा। क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेने के बाद आपको यहां पे टाइप करना है पैन कार्ड डाउनलोड, इस तरीके से आपको टाइप करना है डाउनलोड NSDL। आप ऊपर देख सकते हैं, यही आपको टाइप करके सर्च कर देना है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं ऊपर साइड में डाउनलोड ई पैन कार्ड NSDL, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे नहीं आपको क्लिक करना है, बैक आना है। तो ये जो पैन टेन यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और ये जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा ऑप्शन। तो आपको एक काम करना है, यहाँ पे जो है 3 डॉट दिख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करना है और आपको इसे डेस्कटॉप मोड पे ले लेना है। इस तरीके से लेने के बाद आपको जो है यहाँ पे जो होम स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है होम पॉइंट पे, और ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। दोबारा से आपको फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहे हैं डाउनलोड, ये एक ऑप्शन ये वाला और एक ऑप्शन ये वाला। अगर दोस्तों यहाँ पे ये आपका जो है पैन कार्ड बन जाता है और आपको बनवाने डाल देते हैं, अगर आपका पैन कार्ड नहीं आता है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी का कार्ड फंस जाता है तो आपको जो है डाक द्वारा नहीं मिल पाता तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है, अगर आपका पैन कार्ड कहीं खो जाता है, गिर जाता है, तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों जो मैं पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए बोल रहा था, तो दोस्तों यहां पे क्लिक करना है आपको एक बार। अब दोस्तों यहां पे इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहां पे आपको जो पैन कार्ड का जो है आपको नंबर पता होना चाहिए, जो पैन कार्ड पे नंबर था, पैन कार्ड का नंबर डालना है। यहां पे आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पे मंथ, और यहाँ पे जो है आपकी जो है ईयर बर्थ वो डाल देनी है। इसके बाद आपको जो कैप्चा कोड है यहाँ पे जो कैप्चा कोड नीचे डाल देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फटाफट डाल के दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे फटाफट, तब आप उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं। तो मैंने जो अपना सारा कुछ फिल कर दिया है, यहाँ पे मैंने कैप्चा कोड भी डाल दिया है, और इसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर दे। इसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपके पास जो है आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ईमेल आईडी इसमें नहीं फ्लिप है, तो मेरा मोबाइल नंबर फ्लिप है यहाँ पे। तो मैं जो है यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आई है, तो इसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे मेरे पास OTP आएगी नंबर पे, OTP मैं यहाँ पे डालूँगा। तो आप देख सकते हैं मैं OTP डाल देता हूँ 9240102410। इस तरीके से आपको जो है OTP डाल देना है, इसके बाद वैलिडिटी पे आपको क्लिक कर देना होगा। ये इस तरीके से आ जाएगा। अब दोस्तों ये बोल रहा है फ्री रेट इनकस GST, तो यहाँ पे 8 रुपये 26 पैसे आपको देने पड़ेंगे तब आपका जो है पैन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे पास तो पहले से ही है पैन कार्ड, तो मैं जो है आपको कोई प्रोसेस नहीं है, बस आपको यहाँ पे कन्फर्म पे आपको क्लिक कर देना होगा और इसके बाद ये इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंक वैलेट, जिस तरीके से आप जो UPI के थ्रू अगर आप पे करना चाहते हैं उस तरीके से पे कर सकते हैं और आपका पैन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा और डेट ऑफ बर्थ, मंथ वगैरह जो भी है, होल्डर नेम वो डालना पड़ेगा, और मेक पेमेंट पे आपको सिलेक्ट क्लिक कर देना होगा। आपको जो है वहाँ से वैलेट, आपके जो वैलेट से कार्ड लिए जाएंगे 8 रुपये 26 पैसे और आपका जो पैन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा।
तो दोस्तों इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपने पैन कार्ड को अपने मोबाइल से ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि आप अपने मोबाइल से पैन कार्ड को ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत आए तो नीचे आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं जो है कि आपकी हेल्प कर सकूँ और आपको जो दोबारा से समझाने की कोशिश करूँ। दोस्तों कोई भी एरर आ जाता है तो उसके लिए जो है चिंता मत कीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिए, बस मैं आपकी जो है हेल्प कर दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई वीडियो लेके। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।